मिसलिनियस करते हैं आज। कल क्या पढ़ाया था मैंने? सेलेक्शन ऑफ फोर। अच्छा 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 हाँ, तो थ्योरेटिकली पीएनसी तो खत्म हो गया, थ्योरी तो खत्म हो गई। ठीक है, तो अभी बोलो मिस्टर एस, बोलो सर। डीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा ना? होगा भाई, खत्म हो गई मतलब क्या होता है, कोई चीज खत्म थोड़ी ना होती है। सर फोर, पहला, दूसरा, तीसरा। सर क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ वाला। इन हाउ मेनी वेज कैन एन बॉल्स बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड? तो सिंपल सी बात है ना, कितने बॉक्स से, कितने बक्से हैं? एन बक्से है ना, तो पहले बॉल के पास, तो अभी क्या बोला उसने, एन बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन सेल्स, मतलब किसी भी बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल जा सकते हैं ना। हाँ सर। कितने भी, किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल जा सकते हैं ना, तो पहले बॉल के पास कितना ऑप्शन है, पहले प्राइज के पास कितना ऑप्शन है? एन ऑप्शन किसी भी बॉक्स में चला गया। दूसरे बॉल के पास कितना ऑप्शन है? सबके पास एन है। क्या आएगा आंसर? एन की पावर एन। ये बात चमकती है? हाँ सर। फोर्थ का बी क्या कह रहा है? प्रथमेश तुम कॉम्प्लेक्स अटेंड नहीं कर रहे हो? नहीं सर, वो नहीं कर रहा था, मेरे को करना था लेकिन अभी सीएनसी वगैरह भी है तो और बीटी का भी बचा हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोर्थ का बी ये वाला, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा बताओ? अभी सभी में एक एक जाना चाहिए ना, हर सेल को ऑक्यूपाई होना है ना। हाँ, तो हर, इसका मतलब क्या हो गया? एन थिंग्स एन बॉक्सेस नो एम्प्टी, इसका मतलब एन जगहों में एन चीजें है ना। क्या होगा आंसर? नेक्स्ट बोलो। फिफ्थ वाला। सीएसटी से थाने 20 स्टेशन है, सीएसटी से थाने 20 स्टेशन है, हमेशा मेक अ विजुअल, ठीक है। कितने तरीके के सेकंड क्लास मंथली? अब देखो, तुम जब टिकट खरीदते हो तो कैसा होता है कि कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकलता है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकलता है तो कंप्यूटर को मालूम होता होगा ना कि कितना क्या प्रिंट करना है, वैसे ही बात है। तो हाउ मेनी अ पैसेंजर कैन परचेस? तो अब मुझे बताओ, रेलवे वाले को टिकट प्रिंटिंग करनी है, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा किसी भी स्टेशन से चढ़े तो उसको टीटी नहीं पकड़े। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताओ? सीएसटी पे बंदा है तो सीएसटी वाले को कितना टिकट प्रिंट करना पड़ेगा रेलवे वाले को, ताकि कोई बंदा वापस नहीं हो? 19। उसने फ्रॉम सीएसटी टू थाने बोला, अब ये इंग्लिश की बात है कि सीएसटी टू थाने के बिटवीन में लेना है कि सीएसटी थाने के अलावा लेना है, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में। सर, तुम्हें क्या लगता है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीएसटी थाने काउंट करेंगे, सीएसटी थाने को काउंट करेंगे। तो स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 19 है ना। तो सीएसटी वाला प्लेटफॉर्म पे कितना टिकट का प्रिंटिंग होके रखा होना पड़ेगा? 19। कैसे? सीएसटी से यहाँ 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 कितना टिकट आएगा बताओ? 19 बेटा। अभी स्टेशन 2 से कितना आएगा? 18। 2 से 3, 2 से 4, कम ऑन गाइस, 2 से 19, 2 से थाने कितना आ गया? 18। फिर अगला क्या आएगा? 17। कब तक चलेगा ये? एंड तक आते आते 1 पे आ जाएगा ना, तो 1 से 19 का सम क्या होगा? 19 × 20/2 कितना आ गया? 190। मेरे ख्याल से 190 सही आंसर आना चाहिए। फिर वो वापस भी तो जाना होगा ना उसे। अरे, तो सीजन टिकट हो गया ना, सीजन टिकट मतलब क्या होता है? मंथली का मतलब दैट टिकट इज सीजन टिकट, मतलब जैसे होता है ना मंथली पास, पास हो गया ना वो तो सीएसटी से S2 का, नहीं समझे? आने और जाने का उसमें रहता है, आने और जाने की बात हो रही है एक साथ। 380 दिया आंसर, इनटू 2 होना है।
अब क्वेश्चन में फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर ही लिखा है सिर्फ टिकट जैसे मिला टिकट को जाना ये तो एक ही बात बात क्या ना एक ट्रिप के लिए अब यार वो तो यार अंग्रेजी का झोल है ठीक है मेरे हिसाब से तो भाई अगर मैं सीएसटी से खरीदता हूँ जब मैं मान लो कहता हूँ दुकान जा अब देखो अब जैसे मुंबई में हूँ अगर मान लो जैसे आज ही मैंने अपना सीजन टिकट निकाला मंथली पास निकाला है चर्च गेट के बच्चों के लिए तो मैं तो बोला जाके माँ अपने स्टेशन पे खांडेश्वर पे कि मेरे को मंथली पास दे तो मेरे को उसने चर्च गेट का निकाल के दिया तो अब मैं चर्च गेट पे जाके वापस थोड़ा खरीद दूंगा ठीक है तो मेरा तो टिकट हो गया ना क्या मेरा टिकट क्या एक बार में क्या खरीदा मैंने बता मैंने एक बार में खरीदा ना क्या बोल माँ खांडेश्वर से चर्च गेट का टू एंड फ्रो खरीदा ना मैंने मेरे हिसाब से 190 आंसर है जितना मुझे इंग्लिश आती है जितना मैं लोकल में चलता हूँ प्रैक्टिकलिटी यही होती है ना ये थोड़ा होगा कि मैं चर्च गेट जाऊंगा फिर पागलों की तरफ फिर वहां लाइन लगूंगा भाई और तुमने सीजन टिकट दे रखा है दुनिया में कौन खरीदता है टिकट ऐसे ठीक है क्वेश्चन का लैंग्वेज मेरे हिसाब से द क्वेश्चन आंसर शुड बी 190 ठीक है किसी एक स्टेशन से वो किसी 19 स्टेशन पे जा सकता है ऐसे ही 20 स्टेशन पे उसके केसेस आएंगे तो फिर 20x19 आ जाएगा मैं वही तो बोल रहा हूँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसने बोला है सीजन टिकट अगर वो नॉर्मल टिकट बोलता ना तो तुम्हारी बात मैं मानता उसने बोला है सीजन टिकट मुंबई में सीजन टिकट का मतलब होता है टू एंड फ्रो टिकट ठीक है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से मेरे हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से 190 ही आंसर मैं मानूंगा ठीक है अगर आपको टू एंड फ्रो करना है तो ठीक है चलेगा कि भाई पहले बंदे ने सीएसटी से जो भी 190 आया है वो वन साइडेड जर्नी है तो वापस भी तो जाएगा तो वापसी के लिए हर टिकट इज टू बी काउंटेड ट्वाइस कि मतलब वो पागल बंदा है वो पनवेल से सीएसटी गया है और फिर सीएसटी से वापस टिकट खरीद रहा है दैट इज मैडनेस दैट इज नॉट सीजन टिकट ठीक है नेक्स्ट बोलो सर सिक्स्थ क्या हो गया सिक्स्थ में आपको पासवर्ड बनाना है एटलीस्ट वन सिमेट्रिक लेटर से ना एटलीस्ट वन सिमेट्रिक लेटर चाहिए आपको सिमेट्रिक लेटर कौन कौन से हैं बताओ मैंने आपको पीएनसी में क्या कहा था याद है बीच में एक दिन कहा था जब क्वेश्चन लग रहा हो कि बहुत बड़ा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री पे बात करना चाहिए एनीवेज आप शायद नहीं समझे थे ये 11 है और यहाँ पे 15 अदर लेटर्स हैं ठीक है क्या करना है बताओ बोलो हम लोग को 3 लेटर पासवर्ड बनाना है ठीक है ताकि अरे बोला करना ताकि सिमेट्रिक होना चाहिए और रिपीटेशन एक सिमेट्रिक होना चाहिए नहीं नहीं एक सिमेट्रिक होना चाहिए है ना हाँ क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वन सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक हाँ बोलो वन सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक बोलो थ्री सिमेट्रिक है ना चलो तो थ्री सिमेट्रिक में क्या करना होगा बोलो थ्री सिमेट्रिक में 11C3 × 3 फैक हाँ ये चमकता है ना 11C3 × 3 फैक मैं सेलेक्ट किया अरेंज कर दिया टू सिमेट्रिक में क्या होगा 11C2 से क्या किया दो सिमेट्रिक लिए और एक अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कहां से आएगा 15 अदर लेटर्स वन सिमेट्रिक के लिए 11C1 × भरने का तरीका यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती है बताना गलती क्या है ठीक है दोनों सेलेक्ट करके साथ में 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे गलती है बताना देखते हैं क्या गलती है यहाँ से आपको गलती दिखेगी बताओ वन सिमेट्रिक क्या होगा 11C1 कहाँ बैठाओगे तीन जगह बैठा सकते तो 3C1 है ना बैठ गया अब बाकी कौन बैठेगा बाकी दो 15 अदर लेटर्स में से बाकी दो कहां से आएंगे 15C2 कितनी जगह है अभी भी दो दो चीजें दो जगह टू फैक्ट अब यहां बताओ गलती क्या है यहां हमने क्या मिस किया है
11 C2 से क्या किया? दो सिमेट्रिक चूज किया। बैठाया कहाँ पे? बैठाने की कितनी जगह है? तीन जगह। तो क्या करना चाहिए? 3C2 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 3C2 से क्या किया? दो बैठा दिया। बैठा नहीं, क्या किया? तीन जगह से दो जगह सेलेक्ट किया। हाँ, अब टू फैक्ट से क्या किया? अरेंज कर दिया। बैठाया। 15 C1 से क्या किया? अनसिमेट्रिक। बैठाने का तरीका एक एक जगह एक चीज। ये बात चमकती है? यस सर। ये एक तरीका है। अब इसमें आपको चीज सिखाता हूँ। जीरो सिमेट्री का क्या होगा बताओ? सिमेट्री क्या होगा बोलो? 15 C3 into 3 fact। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ 15 C3 into 3 fact plus 11 C1, 3 C1, 15 C2, 2 fact plus 11 C2, 3 C2, 2 fact 15 C1 into 1 plus 11 C3 into 3 fact क्या होगा? बोलो क्या होगा? 26 C3। 26 C3? हाँ सर। नहीं, क्या सही बोल रही है क्या ये? सर फिर 3 फैक्टोरियल भी आएगा। फिर 3 फैक्टोरियल भी आएगा, क्यों बेटा? उनको अरेंज सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना है। ये बात चमकती है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 सिमेट्रिक प्लस 2 सिमेट्रिक प्लस 3 सिमेट्रिक है ना? तो आप मेथड 1 से कैसे सॉल्व कर सकते हो? सीधा अलग अलग सॉल्व कर दो और ऐड कर दो। अरे हाँ या ना? या जो आपको मैंने सिखाया था, अगर कोई बड़ी चीज पूछी गई है और हमको नहीं पल्ले पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो मेथड 2 से कैसे सॉल्व करेंगे हम बताओ? टोटल माइनस जीरो सिमेट्रिक क्या होगा बोलो? 26 C3 थ्री फैक्ट माइनस। अच्छा, ये जो ऐड होके ट्रू बोल रहा हूं मैं, किस बेसिस पे बोल रहा हूं? ये जो चारों बक्से हैं आपस में ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्यों एग्जॉस्टिव? क्यों? ओवरलैप नहीं होना। ओवरलैप नहीं, ओवरलैप एक्सक्लूसिव से होता है। एग्जॉस्टिव क्यों? सारे केस सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तीन लेटर भरोगे, सिंपल सी बात समझो, मान लो 5 इंडियन है और 10 पाकिस्तानी है, ठीक है? तुम लोगों को तुमको तीन को गोली मारनी है, ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है, कल भी तो क्लास के एंड में ही बात कर रहे थे ना, 15 C3 कर सकते हैं ना डायरेक्टली, या क्या कर सकते हैं भाई? आपके सारे पॉसिबल, जब मरने के बाद सोचो आप, सारा पॉसिबल केस क्या हो सकता है? 3 इंडियन मरे, 0 पाकिस्तानी, या 2 इंडियन 1 पाकिस्तानी, या 1 इंडियन 2 पाकिस्तानी, या 0 इंडियन 3 पाकिस्तानी। यही चार पॉसिबल केस है ना? विचार एग्जॉस्टिव होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? कि पीएनसी काउंटिंग का मेन मतलब क्या होता है? चीजों को एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स में
अरे हेलो हाँ सर अरे इतना क्लियर है क्या? सर इसको वैसे भी कर सकते हैं ना, मतलब तीन बॉक्सेस है और मतलब अगर केस वन है मतलब एक सिमेट्रिक चाहिए तो मतलब ये 11 एक बॉक्स में क्या है, मतलब जो पहला बॉक्स है उसमें 11 चॉइसेस है और उसके बाद जो दो बॉक्सेस है उसमें 15 × 14 चॉइसेस है, फिर केस टू फिर केस थ्री ऐसा ऐड करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा ना। तो भाई वही तो किया है, वही तो किया है, इसलिए मैं बार बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बोलो मुतासिम, क्लियर है सॉल्यूशन वो वाला जो भेजा? तसीम अरे आर फेस को मालूम है ना कि क्लास है अभी? हाँ सर है, हम लोग नहीं है शायद वो तसीम। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बोलो फिर, नेक्स्ट बोलो। नाइन्थ वाला। अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो टिकट 1, टिकट 2, टिकट 3, मतलब 3 बुक ले सकता है और 8 बुक उसके इंटरेस्ट की है। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7, बुक 8। ठीक है, इसमें अब क्या है, ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज देयर। तो 8 बुक जो है ना, 8, 5, 6, 7 केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, क्या बोल रहा है वो? केमिस्ट्री 1 मतलब सर क्या कहता है यार, दो मिनट पढ़ने दो, थोड़ा कंफ्यूज तो होंगे ना मुझे भी, क्या कह रहा है, क्या क्या केस हो सकते हैं? पहली बात तो भाई वो ना, उसने केमिस्ट्री लिया ही नहीं, वो क्या कर सकता है? जो अपन ने किया था क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन तो है, केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 है ना और बाकी 6 बुक्स, यही सिस्टम है ना मेरे पास चुनने का। तो उसने केमिस्ट्री 1 भी नहीं लिया, केमिस्ट्री 2 भी नहीं लिया और यहाँ से ले लिए 3 बुक, चलेगा ना नहीं चलेगा दोस्त? yes. सर और क्या केस है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री 1 ले लिया उसने, केमिस्ट्री 2 नहीं लिया और 2 बुक, चलेगा ना? सर ठीक है, अभी उसने केमिस्ट्री 2 लिया तो ये तभी लेगा ना जब केमिस्ट्री 1 लेगा, इसका मतलब यही केस बचा ना। इन 3 केस के अलावा कोई और केस है क्या? नो सर। क्या होगा बेटा, 63 प्लस 62 प्लस 61 सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो कंफ्यूज। हेलो हाँ सर वो क्वेश्चन समझ, एक मिनट तुम लोग रुक जाओ यार,
और एक ले रहे क्या? सर हाँ वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने पूछा, मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अभी समझ में आ गया? नहीं सर बताइए ना लास्ट वाला मतलब वो क्या मतलब केमिस्ट्री 1 2 ले रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। उसने ये बोला कि केमिस्ट्री अगर 1 केमिस्ट्री 2 तभी लेगा वो जब केमिस्ट्री 1 भी मिले लेगा तो नहीं लेगा वो डिस्टिंक्ट ऑड इंटीजर है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी। हां ठीक है समझा सर। अब कौन चला रहा है बैकग्राउंड मेरी आवाज? नेक्स्ट बोलो सर। इस क्वेश्चन में हम पहले दो केसेस को मर्ज कर सकते हैं डायरेक्टली? हाँ, पहले दो को कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, इसको भी कर, लास्ट दो को भी मर्ज कर सकते हैं, हाँ, है ना? लेकिन मैं कभी मर्ज नहीं करता हूँ। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। टोटल अरेंजमेंट ढूंढ के फिर ऐसा ढूंढे कि जिसमें वो केमिस्ट्री 2 ले रहा है और केमिस्ट्री 1 नहीं ले रहा तो और उसको माइनस वैसे करो यार। खुदा के पास पहुंचने के 500 तरीके होते हैं, इसको जो भगवान मानना है मानो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं मानना है तो भी मत मानो, तो भी अच्छा है। आगे बोलो। नेक्स्ट। ए 11 में क्या दिक्कत है रे? इन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम अ मिनिमम इज टू बी सिक्योर्ड इन ईच ऑफ 7 सब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट फेल? बताओ स्टूडेंट फेल कैसे हो सकता है? एक सब्जेक्ट में फेल होगा या दो सब्जेक्ट में फेल होगा, हाँ, या तीन सब्जेक्ट में फेल होगा, या चार में फेल होगा, या पांच में फेल होगा, या छह में फेल होगा, या मेरी तरह सातों में फेल होगा, क्या होगा? 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 7C4 7C1 प्लस 7C2 अप टिल 7C7 ये बात चमकती है? Yes. और मेथड 2 मुझे सीधा आंसर बताओ ये क्यों सही है? बताओ कैसे सोचा मैं डायरेक्टली? Yes, से वे ट्री से सब्जेक्ट 1 फेल पास, सब्जेक्ट 2 फेल पास, सब्जेक्ट 3 फेल पास, सब्जेक्ट 7 फेल पास, पूरे ट्री में कितने ब्रांचेस? 2 की पावर 7। कौन सा केस हटाना पड़ेगा? तब में पास 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 पास, तो क्या होगा उत्तर? 2 पावर 7 माइनस 1। ये बात चमकती है? यस सर। तो आगे बोलिए। जब करें नंबर 13 को एक मिनट के लिए पेंडिंग करो, उसके आगे बढ़ो। मैं जब करूं इसको 14th वापस वही है ना? सोचा नहीं तुमने? रूम में 10 लैंप्स हैं, रूम में 10 लैंप्स हैं तो रूम को लाइट जलानी है। लाइट कैसे जल सकता है रूम बताओ? एक या तो एक से, या तो दो से। एक से रूम में लाइट देना और दो से रूम में लाइट देना सेम है कि अलग अलग है? अबे गधे, अलग अलग है ना भाई। लाइट रूम में पहले तुमको अगर फेस नहीं दिख रहा था किसी का, अब तो ज्यादा फेस दिखेगा ना। हाँ। तो रूम में लाइट जलानी है, बताओ कैसे जल सकता है? हाउ मेनी वेज? 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 ऐसे का, और ट्री से हर लैंप के पास ऑन ऑफ 2 की पावर 10। कौन सा हटाना पड़ेगा जब रूम में अंधकार है? अंधकार कब रहता है? नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। पंद्रहवा हो गया। 15 इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्लियर है? प्रॉब्लम कब है? अगर आप क्वालिटी बोलते हो तो पागलों की तरह एक उज्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है? Yes, अभी आते हैं 13th क्वेश्चन, प्लीज ध्यान सुनना, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं भी आपको 45 मिनट्स है ना, मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अच्छे वाले, ठीक है? फाइन। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, 13th क्वेश्चन ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 5 बॉल्स है, ओके? नहीं, कितने बॉल्स है? 5 बॉल्स है ना? और बक्से कितने हैं?
थ्री बक्से हैं। मान लो कि ऐसा बक्सा है, ठीक है, और यही सिस्टम है, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको क्या करना है, सच दैट कोई भी बॉक्स खाली ना बचे, ठीक है। तो क्या क्या चीज पे अंतर पड़ रहा है, पहले तो आपको चुनना पड़ेगा ना कि आपको सोचो कि मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आप इसको ऐसे सोचो कि पहले वाले स्क्वायर बॉक्स में कितने बॉल आ सकते हैं, तीन। हाँ, तो पॉसिबिलिटी बॉक्सेस में, ध्यान सुनो, टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में, ध्यान सुनो, बॉक्सेस में ऑप्शंस क्या क्या हैं, कितने कितने बॉल आ सकते हैं, व्हाट आर दी ऑप्शंस ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स टू बी फिल्ड, एक दो और तीन, मतलब या तो नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, तीन एक एक हो सकता है, एक दो दो, एक दो, या दो दो एक हो सकता है, बोलो है ना। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि कौन से तीन बॉल्स, यस और नो बाबा, कौन से तीन बॉल्स, बोलो। ये जो क्वेश्चन पूछा मैंने, कौन से तीन बॉल्स, ये कब नहीं पूछता मैं, जब सारे बॉल्स सेम, अभी तो बॉल्स अलग है। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया बेटा, कौन सा तीन बॉल है, ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन और पैदा होता है, क्या पैदा होता है, कौन से बॉक्स में जाएगा, चमक रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी नीड टू आंसर हियर, सेकंड वाला क्वेश्चन है कौन से बॉक्स में जाएगा, ये मैं कब नहीं पूछता, सारे बॉक्स जब बॉक्सेस आइडेंटिटी होते, ये बात चमकती है, तो आपको क्वेश्चन का ग्रास्प समझ में आए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा पूछना होगा, है ना। तो भाई ऐसा है कि फर्स्ट वी नीड टू, ऐसा हमको क्या, पहले हमको तो, अब तो क्वेश्चन बहुत विविड हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा और विविड, मतलब बहुत आपको फील आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, तो फर्स्ट यू नीड टू फॉर्म बंडल्स, फर्स्ट वी विल फॉर्म द बंडल्स ऑफ 311 and then we will distribute, ये बात चमकती है, yes, हाँ सर, why are we forming bundles, we need to know ना कि 311 के जो आप नंबर बोल रहे हो ये कितना पॉसिबल हो सकता है, मालूम होना चाहिए ना आपको, बताओ, yes, तभी ना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले आप बंडल बना लोगे, मान लो आपने एक बंडल बना लिया, आपको एक बंडल बना के मैं देता हूं, चलो पहले आपको ये बंडल बना के दूंगा मैं, उसके बाद ही ना आप आगे बात करोगे कि भैया अब ये बंडल बन गए, अब राम श्याम घनश्याम को बांटना है, तो कितने तरीके में बांट सकते हो इस बंडल को, राम श्याम घनश्याम को कितने में बांट सकते हो, छह तरीकों में, क्यों छह तरीके, तीन चीजें हैं, पहले वाले बंडल के पास तीन चॉइसेस है, फिर दूसरे वाले बंडल के पास एक, ये बात चमकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कितने बंडल बन सकते हैं ऐसे, yes, तो बंडल कौन बनाता है, कौन सा कंसेप्ट, ग्रुपिंग बंडल कौन बनाता है, ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग से क्या मिलेगा मुझे पहले कि कितने बंडल बन सकते हैं, ये बात चमकती है, तो 311 के कितने बंडल पॉसिबल हैं दोस्त, बताओ, 5C3, 2C1, 1C1 by 2FAC. ये 2FAC क्यों आया? क्योंकि दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ आइटम। और 2-2-1 का क्या होगा बोलो? 5C2, 3C2, 1C1 by 2FAC. ठीक है, इसका बताओ सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? 2-2 कट गया, 10 आ गया, और ये कितना आ गया? 10, 30, 15. इस 10 का क्या मतलब है बताओ तो? 311 के 10 बंडल बन सकते हैं, 311 के 10 बंडल बन सकते हैं,
311 के 10 बंडल बन सकते हैं, उसमें से ही एक बंडल ये दिखाया ना मैंने आपको। टू टू वन के कितने बंडल बन सकते हैं? 15। आपको चमक रहा है, आप घर पे ना बैठ के बनाना बंडल आज रात में क्लास के बाद, ठीक है? 311 के कल भी बनाया था ना मेरे ख्याल से अपन ने, तो पांच वाले में है ना, B1 B2 B3 B बनाया था शायद। अरे 10 बंडल बन गए। अब इस 10 बंडल को क्या करना है, अगला स्टेप क्या? आपका बंडल बन गया भाई, अब राम श्याम घनश्याम को बांटोगे ना? अरे आप ऐसे सोचो ना, आपके पास 5 गिफ्ट्स आई हैं और आपके 3 मौसियों को बांटना है, तो आपने बंडल बनाओगे ना पहले, फिर ना बांटोगे, मौसी लो मौसी लो, कैसे बांटोगे बोलो? 3 बंडल्स, 3 डिफरेंट बंडल्स है ना, कितने लोगों में बांटना है? 3 तो 3 बंडल्स 3 लोग, 3 बंडल्स 3 लोग, क्या आएगा? 60 और 90 कितना हो जाएगा? 150। ये बात क्लियर है? हाँ सर। यस। नाउ लेट्स एंजॉय द प्रॉब्लम, नाउ लेट्स एंजॉय द प्रॉब्लम। लेट्स से बॉक्सेस आर अलाइक, अब क्या हट जाएगा? बॉक्सेस आर अलाइक बोलो। हाँ तो फिर किस में जा रहे हो? सिलेक्शन कैसे हटेगा? बॉक्सेस आर अलाइक बेटा, बॉक्सेस आर अलाइक, बॉक्सेस आर अलाइक, क्या आंसर आएगा बताओ? अरेंजमेंट नहीं करेंगे ना। कौन सा? अभी बॉल सर अलाइक, अब बताओ सिलेक्शन नहीं होगा, बॉल सा अलाइक, अब क्या नहीं, अब क्या हटेगा? मतलब आपके पास बी 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 और बी है और यहां पर 3 बॉक्सेस हैं, अब बताओ क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल नॉट हैपन? सिलेक्शन, मतलब ग्रुपिंग का पार्ट तेल लेने गया? यस सर। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? 311 का है ना, आपके पास कितने बंडल बचे हैं? 2 ही बंडल बचे हैं ना भाई, बंडल बन गए अब तो भाई, 3 बी साथ है और 1 बी भी है, या 2-2 बी है, 1 है, अंतर नहीं पड़ता ही पड़ता है बताओ? नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता। कम ऑन गाइस, गिव मी द आंसर यार। तो आपका बंडल बन गया बेटा ऐसा, और यहाँ पे अब बताओ कैसे बांटोगे इनको? बांटो, बांटो, बांटो। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 चीजें, सुनो सुनो सुनो, 3 चीजें, 2 सेम तरह के, सुनो, 3 चीजें, 2 अलाइक, 3 डिफरेंट जगह, 3 जगह में 3 चीजें भरनी है जहां पे 2 चीजें अलाइक है, कैसे करते हैं? 3 factorial by 2 factorial, कितना आएगा आंसर? 3 और 3 आएगा ना, कुल आंसर कितना आ गया? 6। Now let's go to last frontier. क्या last frontier है? Balls भी सेम रहेगा और boxes भी सेम। अब बताओ। बी 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 एंड बी एंड ब्ला 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 एंड ब्ला एंड ब्ला, बोलो क्या होगा आंसर? 2 ही तरीके रहेंगे, रह जाएंगे 2 ही तरीके रहेंगे। क्यों रहेंगे 2 तरीके? वो 2 केसेस की वजह से, बस इसका एक ही तरीका। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे बताओ ना, तीसरे और चौथे केस में कहाँ डिफरेंस पैदा हो गया? तीसरे केस मैंने क्या बोला था, वापस से रिपीट करो मेरे साथ मन में। 3 डिफरेंट जगह पे,
तीन चीजों को अरेंज करने का, जहां पे दो चीजें यहां पे रीड करो यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेसेस सो यू कांट अप्लाई पीएम परमुटेशन ना. अरे इफ यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेसेस यू कैनॉट से ना कि मतलब कौन कहां जा रहा है, बोलो है ना. हाँ सर. अरे भाई प्लेसेस डिफरेंट होते हैं तब ना तुम थ्री फैक्ट्स अरेंज करते हो तीन डिफरेंट चीजों को तीन जगह में. प्लेस ही सेम हो गया बाबा, क्या होगा. बस दो केस आएंगे ना आंसर में, ये बात क्लियर है क्या. ओनली टू आंसर रहेगा, ये बात क्लियर है क्या. हाँ सर. आई रिक्वेस्ट यू ऑल वेरी सिंसियरली, इज दिस मच क्लियर टू एवरीबॉडी. यस सर. ये वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर. हाँ बोलो सर. फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारे पास तीन डिफरेंट प्लेसेस है और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो हम पांच बॉल में से कोई भी एक बॉल सब में पहले डाल दें और फिर बाकी जो दो बॉल है उनके पास तीन जगह बचेगी और फिर वैसे सॉल्व करेंगे तो भी तो आंसर आएगा ना. आना चाहिए, ट्राई करते हैं, नहीं आता है तो गलती देखेंगे. गलती क्या है, कंसेप्ट में तो गलती नहीं है, देखते हैं उसमें ओवर काउंटिंग होगी कि नहीं होगी, लिखा है तो देखते हैं. तुमने पहले जो एक एक बॉल में एक एक बॉक्स से एक एक बॉक्स में एक एक बॉल भरे हैं, तुमको चुनना तो पड़ेगा ना बेटा. हाँ सर. फाइव सी थी, चुनना तो पड़ेगा बेटा आपको, है ना. हाँ सर. वो चुन के लिख के लिखो ट्री बनाओ. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी उसमें आंसर आएगा कि नहीं आएगा. क्या लगता है बाकी लोगों को, रिपीटेशन होगी कि नहीं होगी. रिपीटेशन होगी विदुषी, क्यों होगी. बॉक्स टू, बॉल टू को विदुषी तूने बॉक्स टू में डाला, ठीक है. तेरी बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगली बार तू वापस से, और तूने सुन, तेरा तूने क्या किया, बी वन बॉक्स बॉल टू को तूने बॉक्स वन में डाल दिया, ठीक है. अगली और जब बाकी जो दो बॉल है ना उसमें से एक बॉल मान ले बी फोर था, वो भी बॉक्स टू में आ गया. अरे बॉक्स टू में क्या कलेक्शन है बेटा, बी टू बी फोर है. हाँ सर. अभी फाइव सी थ्री को तो नहीं मालूम ना कि बॉक्स टू में पहले बी टू आया था, उसने बी फोर डाल दिया. अगर तुम जो दो बचे हुए बॉल्स हैं उसमें से बी टू आ गया बॉक्स टू में, तो वापस से बॉक्स टू में बेटा कलेक्शन क्या है, रिपीट हो जाए. बस देखो पीएनसी में ना किसी और से पूछने से अच्छा क्या होता है ना, नहीं बन रहा भाड़ में गया, हम चार पेज में ट्री बना के सॉल्व करेंगे. स्पेशली इलेवेंथ के बच्चों को स्ट्रिक्ट एडवाइस है, जितना क्वेश्चन बेसिक से कर सकते हो उतना बेसिक से करो. हमेशा समझो क्यों भैया फैक्टोरियल आया, क्यों फैक्टोरियल नहीं आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्लियर है क्या. हाँ सर. फर्स्ट पार्ट हमने बॉक्स के रिस्पेक्ट में किया ना, हैं? फर्स्ट पार्ट जो हमने किया ये वाला, मतलब सब डिफरेंट था तो उसमें हमने बॉक्स के रिस्पेक्ट, मतलब बॉक्स में पहले डाल दिखा कि मतलब 5C3 हमेशा प्राइजेस को डालते हैं पर्सन के पास, पर्सन थोड़े जाते हैं प्राइस के पास. हाँ हाँ हाँ. अरे रैप करे क्या भाई. नो सर. इसको एक और तरीके से करके दिखाऊंगा एंड देन वी विल गो फॉर बाइनोमियल थ्योरम. रैप करें एक मिनट सर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीएनसी, ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैं कभी इस क्वेश्चन का डाटा भी चेंज नहीं करता हूं.
ये सदियों से चला हुआ क्वेश्चन है और सदियों तक चलते जाएगा। बोलो भाई रैप करें क्या? हाँ सर। कर एक मिनट। ठीक हाँ सर थोड़ा साइड। आज रैप करना है? हाँ सर हो गया। बोलो। हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, पार्ट वन की ही फाइट और करना चाहता हूं मैं। पार्ट वन को किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या? जो दो दो दिन से आप देखोगे, मैं एक चीज पे स्पेशल ध्यान दे रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहा हूं, कह रहा हूं दोनों बराबर होंगे। तो क्या पार्ट वन को किसी और तरीके से कर सकते हैं? मुझे बस एक ही बताओ, बॉक्स बॉल वन के पास कितने ऑप्शन है? तीन ऑप्शन। बॉल टू के पास? तीन। बॉल थ्री के पास? तीन ऑप्शन। बॉल फोर के पास? तो ये जो आंसर है गलत क्यों है? इसमें खाली भी रह सकता है। हाँ ये गलत क्यों है? ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया ना, दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लियर है? माई क्वेश्चन इज ओनली विथ एवरीबडी। आपको चमका ना, थ्री क्या है? Yes, तीन क्या है? Each ball has three places to go. Has three options. Okay. Now my concept is this is 243. Why is this wrong? Because somebody said कि इसमें क्या हो सकता है? Boxes can be empty. खाली हो सकता। कैसे कैसे खाली हो सकता बताओ? Explain me how. Give me some example. 3 की पावर 5 में एग्जांपल दो ना मुझे, कैसे खाली सकते? बोलो। पांच बॉल एक बॉक्स में। पांचों बॉल एक बॉक्स में आ सकते हैं ना भाई? हाँ कि ना? हाँ सर। तो फिर मुझे ये बताओ कैसे मैं चाहता हूँ इससे कैसे सॉल्व करूं, मतलब मैं 3 की पावर 5 में से क्या माइनस कर दूं? सारे केसेस जिसमें वो एम्प्टी रहेंगे बॉक्सेस। तो 3 की पावर 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? No empty. Exactly. Exactly. One empty. Zero empty. Plus one empty. One empty. Exactly. One empty. आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। Exactly. Two empty. अच्छा मैं exactly क्यों लिख रहा हूँ? मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? Two empty. मैं exactly क्यों लिखना चाह रहा हूँ? क्यों रहेगा? क्योंकि तीन चॉइसेस है हर बॉल के पास, तो किसी तो बॉक्स में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर किसी अगर उसके अगर बॉल्स के ठीक इतना ही रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, सबको सबको इतना केस क्लियर है क्या? बाबा हाँ या ना बे? हाँ सर। अपन को निकालना क्या है? हैं? कोई तो एक बच्ची बोलती है, बड़ा लेजिली बोलती है, ऐसे लगता है कि मतलब ऐ सर क्या पढ़ा रहे हो आप, आज पढ़ो यार, हैं? एकदम लेजिली बोलती है।
हाँ भाई हाँ, अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है ना? हाँ, yes. चलो एग्जैक्टली टू एम्प्टी बताओ क्या होगा. जब सारे बॉल्स एक बॉल में, एक बॉक्स में चले. 3C1. तो बोलो मेरे भाई. BC1. क्या किए? 3C2 से मैंने क्या किया? दो बॉक्स चुन लिए जो एम्प्टी है. खाली है. तो अब हर बॉल के पास कितना ऑप्शन है? एक ही है. एक ही है. 1 की पावर 5 क्यों लिखा मैं? 5 बॉल है. 5 बॉल्स के लिए. आ जा भाई, आ जा एग्जैक्टली 1 एम्प्टी भाई. अब बताओ पहले क्या चुनना पड़ेगा? एम्प्टी बॉक्स. तो खाली बॉक्स लो भाई, चुन लिया 3C1 से. अब बताओ एक बॉल, एक बॉक्स चुन लिया जो खाली है. अब हर बॉक्स के पास कितने, हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है? दो बॉल. तो क्या ये सही है गड़बड़ है? गड़बड़ है क्योंकि सब बॉक्स एक बॉक्स पे जा सकते हैं, तो एक बॉक्स और खाली रहेगा. माइनस क्या करना पड़ेगा? 3C2 × 1 की पावर 5 जो निकाला पहले, दोनों एम्प्टी हो गए. क्या माइनस बोलो? 3C ये थोड़ा माइनस होगा. क्या माइनस बोलो, क्या माइनस होगा? 2 पावर 5 में प्रॉब्लम जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक कुछ ना कर पाओगे. 2 पावर 5 की प्रॉब्लम बताओ क्या है? मैं वो दूसरा वाला एम्प्टी हो सकता है. तो कितने पॉसिबिलिटी हैं 2 पावर 5 में? क्या हो रहा है भाई? अरे यार मैं पागल. एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें सब सब एक बॉक्स में जा रहे हैं. कितनी पॉसिबिलिटी ऐसी हैं? एक ही है. नहीं, दो है सर. दो है. बताओ कैसे दो है? पहले एक बॉक्स खाली रहेगा, दूसरे में चले जाएंगे सारे. हाँ, हाँ, दो है उनका. हाँ. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. वी नीड टू फाइट इट यार, देन अंडरस्टैंड होता है पीएनसी. 243 = x प्लस कितना है? 90 + 3. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 पावर 5 - 2 कैसे हुआ है? सर 2 पावर 5 से क्या था? ईच बॉल हैज टू ऑप्शन, है ना? क्या ऑप्शन है? मान लो कि लेट से ईच बॉल हैज टू ऑप्शन, ठीक है? तो मान लो कि ट्रायंगल और सर्कल है हर बॉल के पास. ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल चमक रहा है. तो फाइनली होते होते क्या केस बनेगा? 2 केस बनेगा ना. जब सारी की सारी बॉल कहाँ पे है? सर्कल में. या सारी की सारी बॉल कहाँ पे है? ट्रायंगल में. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? वो 2 केस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर. भैया क्लियर है? नहीं क्लियर है, कोई कुछ बोलोगे जिंदगी में? क्लियर है सभी को? 11th के बच्चों क्लियर है क्या आपको? क्लियर है. यस सर. चलिए कॉपी करिए. सर इसमें वो रीजन बताइए ना कि आपने एग्जैक्टली क्या बता रहे थे. एग्जैक्टली 1 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के लिए, एक्सक्लूसिव के लिए. भाई कोई भी काउंटिंग करने का एक तरीका होता है ना. अगर मुझे घर में कोई सामान खो गया है तो मैं पागल थोड़ी ना जो पूरे घर में बार बार खोजते रहूंगा. मैं क्या करूंगा? मैं पहले एक रूम में देखूंगा. हाँ. उसके बाद ना दूसरे रूम में जाऊंगा. हाँ. कि मैं सारे रूम में गधों की तरह पहले एक में देखूंगा. जैसे छोटे बच्चे के, छोटे बच्चे और एडल्ट में क्या अंतर होता है? छोटे बच्चे को सामान खोजे, छोटा बच्चा क्या कर, कभी देखे हो छोटे बच्चे को सामान खोजते हुए? वो उसी जगह पे जाके 10 बार सामान खोजेगा, लेकिन एक बार में वहां पे अच्छे से नहीं देखेगा. अपन खोजते हैं क्या करते हैं, मतलब धीरे धीरे. मैं तो सही है लाइफ में, सामान खोता है कोई, सामान सब खोता है. कैसे खोजते हैं अपन? पहले रूम का एक सेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, हाँ भाई यहाँ पे नहीं है, फिर ना आगे बढ़ते हैं. नहीं तो फिर क्या होगा, हम कभी यहाँ आए कभी वहां आए, तो फिर क्या होता है? 2 शिप में पैर रखे, फिर क्या होता है? अपन पानी में गिर के मर जाते हैं. ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर. सर मतलब मेरा पॉइंट यही था कि अगर हम लोग 1 एम्प्टी लिखते हैं, मतलब केसेस, और 2 एम्प्टी लिखते हैं, तो उसमें मतलब मर्ज का और है वो मतलब पता नहीं चल रहा था, मतलब केसेस वहां पे दोनों में आ रहे, समझ में क्या आता है ना कि अगर मान लो 3 बॉक्स अगर 1 एम्प्टी लिखा है
और तो तीन एम्प्टी केस जो है वो भी तो वन एम्प्टी के अंदर आएगा ही ना, अगर एग्जैक्टली वन एम्प्टी ने लिखा है तो। अगर एग्जैक्टली वन एम्प्टी ने लिखा है ठीक है, एग्जैक्टली वन नहीं है तो तब मान लो तीन बॉक्स एम्प्टी है, दैट इज ऑल्सो वन बॉक्स एम्प्टी ना। समझा। अरे तीन बॉक्स एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ वन बॉक्स एम्प्टी, नहीं समझ में आता है? नहीं सर अभी आगे समझ में। फटाफट 15 मिनट बचा है भाई बायनोमियल का। अरे 11th वालों आप लोग कंफर्टेबल हो ना ये घंटे की क्लास से? ज्यादा लोड भी नहीं होता है? अरे क्लियर है क्या इतना सर? बोलो। जो एग्जैक्टली 2 एमटी का हमने लिखा है वो हमें 3C1 लिखना चाहिए ना? क्यों? मैं दो बॉक्स चुना ना, कौन सा बॉक्स खाली है? जो एक बॉक्स चुन के उनमें सारे बॉक्स डाल देंगे ना, वैसे भी कर सकते हो, वो भी सही है, दोनों सेम आंसर है। मैंने उल्टा किया, मैंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है वो वर्ड यूज किया है। अच्छा, तुम अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 1 भरा, एग्जैक्टली 2 भरा, एग्जैक्टली 3 भरा की बात करते तो बात दूसरी है, ठीक है? मैं जो लिखा वो लिखा मैं। अरे भाई कॉपी हो गया? एक मिनट सर। सर बोलो। सर वो जो आपने इससे पहले वो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था ना, वो सीएसटी से ठाणे का वो 20 स्टेशंस वाला। हाँ बोलो सर, उसमें आपने क्या बोला था कि सीजन? अरे यार तो, एक सिंपल सी बात सुनो मेरी, एक सिंपल सी बात सुनो ठीक है। वो सेम क्वेश्चन मैंने शीट में भी डाल रखा है, आएगा ठीक है। मैंने वहां पे इंग्लिश सही कर रखी है शीट में, वहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। आपको 380 आंसर करना है आप 380 मान लो, आपको 190 करना है आप 180 मान लो, मेरे को जो लगा मैंने वो बताया मेरे हिसाब से। हाँ बोलो सर, मैं सिर्फ इतना बोल रहा था कि उन्होंने ऐसे सीएसटी स्टेशन फिक्स नहीं किया ना, वो किधर से भी टिकट ले सकता है, तो फिर मैं वो बोल रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो फिक्स है, वो फिक्स okay, वो फिक्स है। उसमें 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 इंग्लिश का प्रॉब्लम रहती है यार, इंग्लिश में नहीं लड़ाई करता मैं, इसलिए मैं देखो क्वेश्चन में अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। पीएनसी का क्वेश्चन का एग्जैक्ट इंग्लिश या तो आरएमओ पेपर में मिलता है या एडवांस पेपर में मिलता है, आईटी एडवांस में, बाकी हर जगह कचरा फैला रखा है, स्पेशली इंडियन बुक्स में टोटली कचरा फैला रखा है। आप हॉलैंड बना रहे होगे, आपको फील आ रही होगी, बिल्कुल प्रिसाइज लैंग्वेज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फालतू कचड़ाबाजी नहीं करना है। बोलो इब्राहिम, बोलो तुम भी बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन में अभी 5 डिफरेंट बॉल 3 डिफरेंट बकेट दिया रहता और बोलते कि एग्जैक्टली 2 एम्प्टी केस देते, तो उसमें फिर वो जो एग्जैक्टली 3 एम्प्टी वाला केस भी हम कंसीडर करते ना अकाउंटिंग में। Exactly 2 empties, how it is same as at least 3 empty? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इस जैसे ये वाला था, इसमें at least एक बॉल हर एक में था, लेकिन वो जो मैं क्वेश्चन बोला उसमें फिर वैसा भी आएगा ना कभी कि सारे बॉल वाला क्या? मैं बोला कि 5 बॉल्स है डिफरेंट और 5 डिफरेंट बकेट्स है, नंबर ऑफ वेस्ट 5 डिफरेंट बकेट है, नहीं सॉरी 3 डिफरेंट बकेट, सच दैट exactly 2 buckets are empty, number of ways to fill. हाँ तो exactly 2 bucket empty मतलब यही केस तो है, दो बकेट खाली है, exactly 2 bucket, तो कौन से दो बकेट? कोई दो बकेट 3 की पावर 5 थोड़ी लूंगा, अभी मैं 4 की पावर 5 लूंगा ना, क्योंकि मैं बॉल को किसी बकेट में ना भी डालू वो भी तो केस होगा ना। मैं कहा बोला मैं कहा तो वही तो मैं नहीं बोला ना कि एटलीस्ट एवरी बकेट शुड हैव 1 बॉल, ये मैं कहा बोला, इसलिए तो मैं नहीं डालूंगा वो भी तो चलेगा ना, किसी बकेट में ना भी डालूं तो वो तो तुमको साथ में लिखना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा कि बॉल्स मे नॉट गो टू एनी ऑफ द बॉक्सेस, लिखना पड़ेगा वो, लिखना ही पड़ेगा लिखना। भाई देखो पीएनसी का एग्जैक्ट हमेशा सही लैंग्वेज या तो आरएमओ पेपर, आईटी एडवांस या फॉरेन बुक्स, ठीक है? इन 3 सोर्स के अलावा एवरीथिंग इज बड़ा हुआ कचड़ा। रैप करूं मैं इसको? हाँ सर। सर ये हम लोग ने मैच किया था अभी, ये तो मतलब जब बॉल्स भी डिफरेंट है और जब बॉक्सेस भी डिफरेंट है, तो इसमें से अगर वेरिएशन हम लोग किया कि कोई भी एक सेम हो गया तो वो नहीं हो पाएगा इससे, नहीं होगा, क्यों होगा, नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। इस मैच में तुम भर भर के सी सिंबल लगा रहे हो, सी सिंबल एप्लीकेबल ओनली इफ चीजें आर डिफरेंट, ठीक है? हाँ सर। Fine. So let's go to binomial summation, जो बचा हुआ पार्ट था, binomial summation, double variable.
binomial summation when variables when binomial variable is in products, मतलब multiplied, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 10C0, 10C1, plus 10C1, 10C2, मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 10C1, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, भाई ये मत बना सा, आप लोग 10 ही 10 कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 10C2, 12C2, plus 10C3, 12C3, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 10C1 square plus 3 into 10C2 square. आपको चमकता है ना 10C2 square का मतलब क्या होता है, बताना पड़ेगा, अरे अजीब लोग हो यार, बोल तो दो यार, हेलो, आपको चमका क्वेश्चन क्या है, नेट चलो, नेट जा रहा है क्या, अरे आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है, आ रही है सर, आप लोगों को क्वेश्चन जमका, मैं कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यस सर, ठीक है, कॉपी करो इसको, सर वो प्रोडक्ट लिखा है क्या, बाइनोमियल वेरिएबल, हाँ 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 करें? No, sir. इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, ठीक है, बोलिए रब करें, yes, sir. ठीक है, तो देखो फंडा बहुत सिंपल है, दो तीन सीरीज काम की रहती है, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है बताओ, एन सी नॉट प्लस वन माइनस एक्स की पावर n क्या होता है, एन सी नॉट माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स, यहाँ तक क्लियर है, x प्लस वन की पावर n क्या होता है, जो ये बच्चा बोल रहा है उसके पीछे टीवी चल रहा है, यहाँ तक क्लियर है, ये चार सीरीज ध्यान है, Well, let's try to understand few basic things. मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा सकता हूं इसको आपको ध्यान से. एक काम करते हैं, सुनो. हाँ सर. One plus मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10C0 11C1 प्लस 10C11C10 10C0 10C1 11C9 प्लस 10C2 11C8, आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन क्या है, yes. इसका सम निकालना है, ठीक है, What we do in these type of questions, अपन एक सेट, ये सेट दिख रहा है, yes, इसका binomial coefficient क्या है, यहाँ 10-10 है ना, तो 1 plus x की power 10 का सीरीज लिख लेते हैं, बोलो क्या आएगा, 10C0 plus 10C1 x plus 10C2 x square,
और ये 11 का सीरीज है ना, तो एक वाले को असेंडिंग पावर में लिखते हैं, एक वाले को डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी है, लिखने में अच्छा फायदा रहता है। बोलो उसका एक्सपेंशन क्या आएगा? x raised to 11 plus 11c1 x 10 11c2 x raised to 9 11c3 x की power 8। लास्ट टर्म क्या आएगा इसमें? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। देखो अगर आपको बेसिक एलजेब्रा आती है ना, आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा ये, अदरवाइज आप फिर परेशान हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस यहाँ पे ऊपर में कितने टर्म्स हैं? 10 11 टर्म्स हैं, और नीचे में कितने टर्म्स हैं? 12। मल्टीप्लाई कर दो जी, पकड़ पकड़ के। तो मल्टीप्लाई करने का बेसिक फंडा मालूम है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर लाइक लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं ना। बोलो हाँ या ना? हाँ। अरे यार क्या यार, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ? ब्रैकेट खोलोगे ना भाई, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो 2x प्लस 2x स्क्वायर। आप क्या आंसर यहीं पे छोड़ देते हो? नहीं ना, क्या करते हो? लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर देंगे। अबे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हैं। चलो भाई करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सारे टर्म्स आएंगे ना। जी सर। भाई आएगा कि नहीं? कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा कि नहीं आएगा? कुछ एक्स का कोएफिशिएंट आएगा कि नहीं आएगा? तो चलते चलते तुम तो ये देखो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो किसका कोएफिशिएंट है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो किसका कोएफिशिएंट है बताओ? सर इसमें शायद कोएफिशिएंट बराबर नहीं बनेगा, एक एक्स का एक एक्स स्क्वायर का है। सर इसमें क्या होता है ना, जो नीचे वाला है पहला वाला एक्स का है, 10c0 11c10। सर इसमें आपको दोनों इंक्रीजिंग लेना पड़ेगा सर। हाँ क्योंकि नीचे जो है वो 0 प्लस 10 कांस्टेंट है, फिर 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 कांस्टेंट है, तो जब नीचे का एडिशन कांस्टेंट आता है तब दोनों इंक्रीजिंग लेते हैं। ये सर आप 11c 11x की पावर 11 वैसे लिखोगे तो ज्यादा बराबर है। अच्छा तो 10c 0 11c 10 नहीं बन रहा क्या? 10c 0 11c 10 होगा। हां उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? x है, x होगा उसका। उसका x है, फिर 10c1 11c9 का शायद x क्यूब है। हाँ उसका x क्यूब आएगा, सबका अलग अलग आएगा। देखते हैं लिख के, देखते लिखते हो तो मुझे क्या कर, मैंने क्वेश्चन क्या दिया, लिखा क्या है मैंने। ठीक है तो एक मिनट, मैंने वर्क मेथड से, अच्छा मैंने वर्क वाले से करना चाहता ना, मैंने वर्क वाले से करना चाहा। ठीक है यहाँ पे क्या था, 11c 1 आ जाएगा। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, 11c 10 लिखा था, 10 लिखा था। हाँ 10 लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 9 लिखा था। हाँ मैंने एक्चुअली वर्क मेथड से बताना चाह रहा था पहले। ठीक है फाइन, अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बताओ क्या होगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो किसका कोएफिशिएंट बन रहा है, देखो तुम आर्बिट्रली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है अब मुझे बताओ तुम्हारा क्वेश्चन किसका कोएफिशिएंट बन रहा है? एक्स की पावर, की पावर 11। देखो 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 10c 0 11c 1 कैसे बनेगा, एक्स की पावर 10 आएगा। समझ में आ रहा है तुम? अरे भाई तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, मेरे पास एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है बताओ? तो जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वही बन रहा है ना, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अरे चमक रहा है? यस यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया?
सर लेकिन हमें 11C2 11C3 ऐसे आ रहा है ना। 11C9 की जगह 11C2 क्या लिखा है? मैं अभी भी वैसे लिखा 11C2 होगा, यहाँ पे 11C3 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यस। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अब तो ये तो आइडेंटिटी है ना, 1+x^21 का एक्सपेंशन ही लिखा हुआ है ना इधर तो, मल्टीप्लाई करने के बाद। यस सर। यस सर। तो बोथ साइड था आइडेंटिटी ना, तो x^10 का कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड विल बी सेम। यस सेम ऑन, बोलो। यस सर। बोथ साइड्स सेम ऑन बोथ साइड्स, यस और नो? यस सेम ऑन बोथ साइड्स, ये क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पर जो x^10 का कोएफिशिएंट है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन है? यस सर। यहां पे हमारा ये लिखा हुआ है वो क्या है, क्वेश्चन है। और यहां पर x^10 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 21C। आप क्या चाहते हो, x^10 ना, ये 10 यहां पे आता है, लिखना आता है ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, 21C10 आ गया ना इसका आंसर। यस सर। यस सर। और इसका आंसर क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। क्लियर है। ये बात चमकती है? हाँ सर। लेकिन आपने जो पहले क्वेश्चन लिखा था 11C10 और 11C9, उसकी भी तो वैल्यू सेम ही है ना? 11C10 वो सेम ही वैल्यू है, सेम ही वैल्यू है। मैंने वो कुछ और सोच के लिखा था, मैंने उसको लिख के सोच के लिखा था कि मैं तुमको वर्क मेथड से पहले बता दूं, और मैं इस मेथड बढ़ गया था, मेरे क्वेश्चन का ध्यान ही नहीं था ऊपर में क्या लिखा हुआ है। वो वैल्यू सेम है। इस क्लियर है? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? आपको इन चारों को ही लिख के अपना क्वेश्चन बनाना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन किससे बनेगा। ये बात चमकती है क्या? अरे ये क्लियर है सर। वो एक बार बताइए, 10 को मतलब वो आइडेंटिफाई कैसे किया कि x^10 का कोएफिशिएंट है, मतलब आंसर हमें चाहिए। 10 10 10 लिखा है। हाँ क्या बोल रहे हो, मतलब? मतलब इसमें दिख नहीं रहा था, पहले वाले में दिख रहा था कि x^10 का कोएफिशिएंट नीचे वाले से, मतलब एक ब्रैकेट से x लिया और दूसरे ब्रैकेट से x, वैसा दिख रहा था। इसमें कैसे दिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था। मतलब कहां दिख रहा है? इसमें कहां कुछ दिख रहा है? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ ना कि ये तो आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पर जो x^10 का कोएफिशिएंट होगा, हाँ वही इधर भी होगा ना x^10 का कोएफिशिएंट। हाँ तो इधर को x^10 का कोएफिशिएंट क्या है, 21C10 है ना इस साइड। हाँ, में x^10 का कोएफिशिएंट क्या है, 21C10 है ना। हाँ वो समझा, लेकिन हमारा आंसर x^10 का कोएफिशिएंट है वो कैसे समझ में आ रहा है, वही पूछ रहा था। नहीं समझ में आ रहा, वो कहां समझ में? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कहा कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके सारे कोएफिशिएंट लिख के देखो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा है वो किसका कोएफिशिएंट है। तुम्हारा तुम्हारा जो क्वेश्चन है 10C0 11 कैसे बनेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से ना। हाँ कोएफिशिएंट क्या आया, तुम्हारा 10C1 11C2 कैसे बनेगा? x^10 का कोएफिशिएंट है। हाँ समझा, ये क्लियर है? तुमको इन चारों के साथ खेलना पड़ता है। हाँ तो सर वो तुमको इन चारों, हाँ बोलो। पीछे जो आपने लिखा था वो गलत क्यों था, मतलब वो गलत नहीं था भाई, गलत नहीं था वो, मैंने कुछ और क्वेश्चन लिखा था, वर्क मेथड से लिखना चाह रहा था मैं, और मैंने सॉल्व ऐसे कर दिया था। हाँ सर ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए मुझे x+1 नहीं लिखना होता, मुझे 1+x^11 लिखना पड़ता। हाँ सर।
सर जैसे आपने अभी बताया ना ये क्वेश्चन में कि पहला वाला जो एक्सपेंशन होगा वो 1+x होगा, फिर दूसरा वाला अपोजिट ऑर्डर में होगा x+1, तो ये कैसे पता चले? नहीं मालूम चलता, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि नीचे का बेस कांस्टेंट वगैरह। आपके पास चार एक्सपेंशन है, एक तो आपका हमेशा 1+x लिख दिया करो, ठीक है। दूसरा वाला आप इन तीनों में से चुना करो क्या लिखना है। पहला हमेशा ये लिखा जाएगा, दूसरा वाला इन चारों में से कोई एक आएगा, वो आप देखो क्या आएगा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे आप लिख के देखो, आप लिख, आपको अरे दो तीन बार लिखोगे ना अपने आप फील आ जाएगी कब कैसे लिखना है। अच्छा, जो चीज अपन ऑब्जर्वेशन से सीखते हो ज्यादा दिन तक ध्यान रहती है, ठीक है। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, रब करें? एक मिनट सर, थोड़ा साइड। अरे बोलो रब करे क्या? हाँ सर। यस रब करे। यस सर। तो माइनस वाले में कोई कुछ नया हो जाएगा क्या? बोलो। नहीं सर। बोलो कैसे सॉल्व करें? बोलो क्या आएगा? टेन सी टू एक्स स्क्वायर। क्या आएगा बताओ? 11C0। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर जिंदगी में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सारे कोएफिशिएंट बन सकते हैं दुनिया में। हाँ। आपका एम क्या है? आपका क्वेश्चन कैसे बन रहा है? आपका कोएफिशिएंट कैसे बन रहा है? नहीं ना बेटा, नॉट 12 का, 10 सी नॉट 11 सी नॉट ना। हाँ। 11 एक्स की पावर 11 का बना ना। हाँ। तो आपने क्या ढूंढ लिया, लेफ्ट साइड में आपने काम कर लिया ना अपना। हाँ। ये तो आइडेंटिटी है। यस सर। तो एक्स की पावर 11 कोएफिशिएंट सेम ऑन बोथ साइड। तो इधर में क्या है, 10 सी नॉट 11 सी नॉट माइनस, इधर में क्या लिखा है, क्वेश्चन ही लिखा है ना आपका। हाँ। तो यहाँ बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, ये क्या हो गया मतलब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 10 इंटू एक्स माइनस 1, किसका कोएफिशिएंट? एक्स की पावर 11। क्या आपको बायनोमियल में कोएफिशिएंट निकालने आता है कि नहीं आता? आता है सर। आता है तो कैसे निकालोगे बताओ? अरे बहुत आता है, देखा जाए 10 हो जाएगा क्योंकि 1x 12। आओ देखते हैं, ठीक है। क्या चाहिए, x की पावर 11, तो यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर 10 चाहिए ना, और यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर 11 बोलो। हाँ। अच्छा, ये तो x स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसमें सारे कैसे पावर आएंगे, इवन आएंगे कि ऑड आएंगे? x स्क्वायर माइनस 1 की पावर इवन आएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, यहाँ पे 0 आएगा ना कोएफिशिएंट? नहीं सर, नहीं। हाँ सर। और यहाँ पर कैसे, और यहाँ वाले में कैसे आंसर लिखोगे सर? एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट बिना 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 सॉल्व किए कैसे लिखेंगे बताओ? एक्स की पावर 10 सी समथिंग, एक्स स्क्वायर की पावर में क्या आएगा, 5। हाँ। माइनस 1 की पावर में क्या आएगा, 5, और जो यहाँ आता है वही यहाँ आता है कि नहीं? हाँ सर। तो एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना आ गया? माइनस 10 सी सर।
तो आंसर क्या आ गया, माइनस 10 सी 5। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे चमका। हाँ सर। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करो सर। लेकिन ये तो करेक्ट नहीं है ना? क्यों सर? इसका मतलब कि माइनस 10 चीजों में से हमने 5। अरे अरे भाई, माइनस यहाँ पर है। अच्छा अच्छा, पगला गए हो क्या बे? क्या बोल कह रहे हो तुम है? चलो एक क्वेश्चन और बताओ। सुनो, 1 × 10c² + 2 × 10c² बताओ। नैतिक बता तो बेटा, कैसे इसको सॉल्व करूं? सोच रहा हूं सर। बेसिक दो चीजों को मिक्स करो। क्या दो चीजों को मिक्स करना है? जो सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट में अगर कुछ रहता था, अच्छा वन आ गया है, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट में अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड रहती थी तो तुम क्या करते थे? पहला स्टेप सर, उसको किसी चीज का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। भाई साहब, क्या पढ़ाया है तुमको मैंने? बताओ भाई, बाकी लोग हम लोग उसको एडजस्ट करते थे ना। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे जनरल टर्म क्या है बोलो तो? 10 CR ये लिखा है ना? Yes, sir. क्या करते थे हम लोग? एडजस्ट करते थे। याद आया नैतिक? हाँ सर। क्या होगा? 9 CR - 1 × 10 CR। अब क्या बन गया बताओ तो? क्वेश्चन क्या बन गया? समेशन r इक्वल टू 1 से था ना, r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू 10 तक है ना। अब नया क्वेश्चन एडजस्ट होने के बाद क्वेश्चन क्या बन गया बोलो तो? 9C0 10C1 9C1 10C2। नैतिक ध्यान रहेगा अभी? हाँ सर। फिर क्या पढ़ते हैं अपन जो भूल गए अपन चीजों को? अरे इतना क्लियर है? अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई साहब? ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? 1 + 9C0 + 9C1 + 9C2 + 10 आपका जो क्वेश्चन है वो किसका कोएफिशिएंट है सर? x की पावर 9 का कोएफिशिएंट आपका क्वेश्चन है। ये बात चमकी क्या? हाँ सर। अरे भाई साहब, सभी लोगों को क्लियर है नहीं क्लियर? एक बार में उत्तर दिया करो यार। क्लियर है? Yes, सच सच बोल रहे हैं सब लोग? हाँ सर। पढ़ क्या रहे हम लोग? पढ़ क्या रहे? बायनोमियल पढ़ रहे हैं। मैथ्स आर फेस। अरे यार, वो बायनोमियल का कोई पीडीएफ जो था वो कोई डॉट कर दिया गया, कहाँ चला गया होगा? अरे
आर फेस पे भेजा है सर। देख रहे मैं खोज रहा हूं उसको। अरे सबको क्लियर है जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी? हां यस सर। यस सर। डबल वर्ब वाले है नहीं है क्या इसमें? कल के लिए आपका यू तो होमवर्क ऑलरेडी है ही है ना आपके पास, तो मैं दो तीन क्वेश्चन ही ऐड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? उसी पीडीएफ में से 136 थोड़ा देख देख के दूंगा, तो पिछली बार फालतू में बहुत टफ दे दी थी मैंने 136। अरे क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें 133, 122, 111 डबल बारे में समझ में कम नहीं है क्या था मेरे डबल में से दिख नहीं रहा। ठीक है, वैसे भी ज्यादा कुछ काम का नहीं होता है, मतलब बस होता ही ऐसे, इतना है काफी है। पता नहीं क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे मुझे इसमें, लगी नहीं क्या चल रहा है मतलब। ठीक है, ऐसा लग रहा है डबल वाले क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे, जो टीट वाला ज्यादा होता नहीं कुछ भी खास। चलो फाइन, हाँ दिखाना एक और 115 वही कहाँ गया 115। चलो ठीक, काफी हो गया अभी, और एक 113। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, और कोई नोट करते रहे ना, मैं तब फिर मैं होमवर्क देते रहूंगा, मैं भूलते चला जाऊंगा फिर क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है, कल के लिए होमवर्क क्या क्या है डिस्कस करने के लिए? एग्जाम्पलर और हॉल एंड निकल नहीं, कल नहीं हो पाएगा वो, स्लो स्लो करते ना, एग्जाम्पलर कर लेंगे और ये 8-9 क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय 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 सर।